Now next C program, how to display given required pattern using simply for loops. In that case, again number of rows kitne found hone, there are 4 rows available, 1, 2, 3 and 4, 4 rows. Number of columns kitne is case mein? There are 7 columns, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isliye is case mein matrix kis order mein banana hai? 4 by 7 is that one. Is case mein number of row maine define kiya 4 row, maximum columns are available as 7. Next one again, is case mein kuch places par required kya hai, some places has required stars and some places has required spaces. इस केस में ऑलरेडी डिस्कस किया था, जब भी इस टाइप के पैटर्न डिस्कस करेंगे अगेन मैनेज क्या करेंगे इस केस में आउटर लूप और इनर लूप. आउटर लूप मैनेज करेंगे ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ रोज. इस केस में अगर पर्टिकुलरली बात करें तो इस केस में नंबर ऑफ रो कितने फाउंड हो, देयर आर मैक्सिमम 4 रोज. कंडीशन क्या अप्लाई करें इस केस में, 4. सबसे पहले मैं स्टैटिक फॉर्म में डिजाइन कर रहा हूं, उसका इसको कन्वर्ट करें इन द फॉर्म ऑफ n. नेक्स्ट वन मींस टोटल नंबर ऑफ रो अगर फिक्स्ड है 4, देन आउटर लूप कितनी बार मैनेज करेंगे, 4 टाइम्स. Then number of columns कितने इस केस में, there are 7 columns, इसलिए inner loop कितनी बार manage करेंगे, 7 times. Next one, identify क्या करना है, if condition, because जब inner loop execute इस केस में, कुछ places के according space display कराना होगा, कुछ places के according star display कराना, based on if conditions. Finally इस केस में condition calculate करें with respect to number of space. इस जरूरी नहीं कि कंडीशन ऑलवेज हमेशा स्पेस के रिगार्डिंग में कैलकुलेट करना चाहिए, कंडीशन स्पेसेस के लिए भी कैलकुलेट करना पॉसिबल है और स्टार्स के लिए भी कैलकुलेट करना पॉसिबल है, लेकिन मिनिमम रेंज किसका है, नंबर ऑफ स्पेसेस. लिए मैं कंडीशन अप्लाई करूंगा स्पेस के लिए. नेक्स्ट वन इस केस में चेक करेंगे रिलेशन. इस केस में हो सकता है एक से ज्यादा लॉजिक से या एक से ज्यादा कंडीशंस पॉसिबल हो, देयर मे बी आल्सो पॉसिबल. नेक्स्ट थिंग्स, फर्स्ट वन इस केस में रिलेशन की बात करें, अगर इस डायरेक्शन को इस टाइप से ड्रॉ किया जाए, लोअर मींस राइट हैंड साइड के सारे एलिमेंट का एडिशन क्या है, इस केस में आई और जे को ऐड किया जाए, आई प्लस जे, इन सभी केस में इसका एडिशन क्या है, ग्रेटर देन एन और ग्रेटर देन 4. इन लोअर केसेस में सम क्या है इसका, लेस देन, सॉरी वी हैव डन सम मिस्टेक, ग्रेटर देन 5. इस केस में राइट हैंड साइड के सारे एलिमेंट्स का सम, आई और जे का सम क्या है, ग्रेटर देन 5. चेक कर सकते हो, 4 प्लस 2 इज 6, 3 प्लस 3 इज 6, 2 प्लस 4 इज 6, 1 प्लस 5 इज 6. रिमेनिंग सभी केस में क्या आएगा, आइदर 6 और ग्रेटर देन 6. लेकिन इसे डायरेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में अगर काउंट करें तो लेफ्ट हैंड साइड में सम या तो 5 है एग्जैक्टली और 5 से लेस है, इसलिए कंडीशन ओनली किसको सेटिस्फाई कर रहा है, राइट हैंड पोर्शंस. लेकिन राइट हैंड पोर्शन अगर डायरेक्टली इस कंडीशन को राइट डाउन करें, देन पैटर्न किस टाइप से डिस्प्ले होगा, लाइक दैट, लुक्स लाइक दैट अपर पार्ट. लेकिन इसे रिमेनिंग एलिमेंट्स को फिल्टर कराना है, अगेन एक और कंडीशन अप्लाई करेंगे, वन मोर कंडीशन. इसके इसमें फिल्टर क्या करना है, दैट पार्ट ओनली इन्वॉल्व क्या होना चाहिए, दैट लेफ्ट साइड. इसके इसमें नेक्स्ट कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, अगर इसमें एग्जैक्टली रिलेशन क्रिएट करें, ऐसा कौन सा रिलेशन है जो लोअर पार्ट के लिए है, लेफ्ट पार्ट के लिए तो सेटिस्फाई हो रहा है लेकिन राइट पार्ट के लिए सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए नेक्स्ट कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, समथिंग डिफरेंस ऑफ जे माइनस आई. अगर जे को आई से सब्ट्रैक्ट करें, इस केस में डिफरेंस कितना आ रहा है, पॉसिबल डिफरेंस चेक करें इस केस में. फर्स्ट वन डिफरेंस क्या रहा है इस केस में, जे माइनस आई, 5 माइनस 1 इज 4, देन 5 माइनस 2 इज 3, 6 माइनस 3 इज 3, 7 माइनस 4 इज 3. नेक्स्ट वन 6 माइनस 1 इज 5, 6 माइनस 2 इज 4, देन 7 माइनस 3 इज 4. नेक्स्ट वन 7 माइनस 2 इज 5, नेक्स्ट वन 7 माइनस 1 इज 6. इस केस में मिनिमम डिफरेंस कितना है, 3. मिनिमम डिफरेंस कितना आउट ऑफ देम, 3. तो इस केस में, लेकिन रिमेनिंग एलिमेंट्स के केसेस में बात करें, अगर डिफरेंस कैलकुलेट करें, 4 माइनस सॉरी 6 माइनस 4 इज 2, इस रिमेनिंग एलिमेंट्स के केस में डिफरेंस कितना आ रहा है, 2. नेक्स्ट टाइम 5 माइनस 4 क्या आ रहा है, 1. 4 माइनस 4 क्या आ रहा है, 0. 3 माइनस 4 इज माइनस 1, 2 माइनस 4 इज माइनस 2, एंड सेम एज 4 माइनस 2 इज 2. इस मैक्सिमम डिफरेंस क्या है इस केस में, लोअर पार्ट में 2. फाइनली इस केस में कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, एज जे माइनस आई शुड बी लेस देन 3, शुड बी लेस देन 3.
तो इस केस में दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होना कंपलसरी विद रिस्पेक्ट टू स्पेस। अगर फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है मीन्स इस केस में ऐसा नहीं कि अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो देन स्पेस, दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होना कंपलसरी, इसलिए कंबाइंड किससे करेंगे यूजिंग एंड ऑपरेटर्स। इस प्लेस पर राइट डाउन करोगे कंडीशन एस आई प्लस जे ग्रेटर देन 5 एंड जे माइनस आई लेस देन 3। इसे पर्टिकुलर दोनों ही कंडीशंस ओनली किस केस में सेटिस्फाई होंगे, ओनली फॉर स्पेस, रिमेनिंग केसेस में डिस्प्ले क्या होगा स्टार। नेक्स्ट थिंग, इस केस में मैंने डायरेक्टली कांस्टेंट वैल्यू पास किया 5 एंड 3, इसे लॉजिक ओनली 4x7 मैट्रिक्स लिए वर्क करे, देन हाउ टू कन्वर्टिंग इन द फॉर्म ऑफ एन। सपोज दैट वेन एवर वैल्यू ऑफ एन इज 4, देन जहां मैंने 4 यूज किया 4 के प्लेस पर क्या यूज करेंगे समथिंग एन। देन एन और 4 और 7 में रिलेशन क्या है 2n-1, 2 × n-1, इसे सभी केस में वर्क करेगा। नेक्स्ट वन, इस प्लेस पर अगर बात करें एन का वैल्यू 4 है तो कंडीशन क्या जाएगा n+1, इस 5 केस के इक्विवेलेंट है n+1। नेक्स्ट वन, इन दैट केस एन का वैल्यू क्या है एन जे माइनस आई इज लेस देन 3, 3 के केस में राइट डाउन क्या करें n-1, क्योंकि एन का वैल्यू क्या 4, 4-1 इज सिमिलर टू 3, मीन्स दैट वन। इस कंडीशंस के थ्रू किसी भी टाइप का पैटर्न या किसी भी ऑर्डर के लिए रिक्वायर्ड पैटर्न डिस्प्ले कराना पॉसिबल।